देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि अमेजोन किसको प्रायोरिटी देता है कि उनके प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जो है वो बिकते हैं और सबसे ज्यादा दिखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तथास्तु शर्मा और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। इस टॉपिक में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि गाइज जब आप एक नए सेलर एज अ सेलर ऑनलाइन सेलर जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे स्नैपडील हो, चाहे मीशो हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपका सबसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज जो होती है इनिशियल स्टेज पे वो ये होती है कि आप प्रोडक्ट लिस्ट तो कर देते हैं लेकिन आपको ऑर्डर्स नहीं आते हैं। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो 10 गलतियां मैंने की थी और मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां आप करें, तो मैं आपको इस वीडियो में वो 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको एज अ न्यू सेलर ध्यान रखना है कि आप जब ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करेंगे या आप काफी टाइम से अगर कर भी रहे हैं और आपसे ये गलतियां हो रही है और आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, इन 10 पॉइंट्स में से अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो उसे तुरंत सुधार दें और आप उसके रिजल्ट्स देखना शुरू करेंगे। तो गाइस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोग जो है इस चैनल पे आते हैं, कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो इस चैनल पे काफी सारे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये एक आपकी तरफ से बहुत बड़ी मेरे लिए एक हेल्प होगी। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट पे। जो बेसिक बुनियाद है ना ऑनलाइन सेलिंग में, उसका जो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि पूरे इंडिया में कस्टमर आपके प्रोडक्ट को अमेजोन पे देखता है या फ्लिपकार्ट पे देखता है या किसी भी मार्केट प्लेस पर देखता है। वो उसे देखता है और उसे डिसाइड करता है कि उसे वो प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, आपको अपने प्रोडक्ट की बहुत ही अच्छी वाली फोटोग्राफी करवानी पड़ेगी, एकदम प्रोफेशनल। अब एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा गाइस, आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो कॉम्पिटिटर है और उस कॉम्पिटिटर के उस प्रोडक्ट पे जिसपे सबसे ज्यादा रिव्यूज आए हुए हैं उसके प्रोडक्ट कैसे प्लेस्ड हुए हुए हैं, उसकी इमेजेस कैसे लिस्ट हुई है, उसे देखिए और उस तरीके के प्रोडक्ट को जो है आप उसी तरीके से फोटोग्राफी करा के कोशिश करें कि अच्छे से जो है उसको लिस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा डिटेल्ड फोटोग्राफ्स, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अलग अलग एंगल से फोटोग्राफ्स आप लिस्ट करें, उससे आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पैकेजिंग। गाइज जब भी आपको कोई ऑर्डर आता है ना तो उसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी करें, प्रोफेशनल पैकेजिंग। देखिए कस्टमर जो होता है ना वो छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखता है। सो गाइज मेरा पुअर पैकेजिंग से रिलेटेड एक अभी रिसेंटली एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने ना दो प्रोडक्ट मंगाए थे, हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड प्रोडक्ट थे वो। एक प्रोडक्ट जो था वो प्रोडक्ट उन्होंने मुझे छोटे से कोरोगेटेड बॉक्स के अंदर, उसे प्लेन कोरोगेटेड बॉक्स के अंदर उसे पैक करके उसके ऊपर न्यूज़पेपर रैप करके और उन्होंने मुझे भेज दिया था और सेलो टेप लगा के और उसको पैक कर दिया था। उस पर काफी सारे रिव्यूज भी थे नो डाउट, बट उसी के जैसा मैंने सेम प्राइस में एक और प्रोडक्ट मंगाया था, उसका जो कोरोगेटेड बॉक्स था वो उसके ऊपर एक उन्होंने इतना सा अपने ब्रांड का स्टिकर चिपका रखा था, फिर जब मैंने उसे ओपन किया तो और एक छोटी सी पैकेजिंग थी जो बहुत अच्छी प्रोफेशनली पैकेज हुई हुई थी, पैक की हुई थी, और उसके साथ साथ उसके अंदर उन्होंने जो है थैंक यू लेटर भी डाला हुआ था और मुझे वो बहुत इंप्रेसिव लगा। तो आप खुद सोचिए कि आपका प्रोडक्ट तो अच्छा है, नो डाउट आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट भेज रहे हैं, लेकिन कभी कभी पैकेजिंग की वजह से है ना कस्टमर का थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है कि यार मैं अब ये वाला लूँ या ये वाला लूँ। तो उसमें एट लास्ट मेरे को ये डिसाइड करना पड़ा कि मैंने वो लिया जो एक अच्छा ब्रांडेड था। उसका कारण ये था गाइस कि दोनों की प्राइसिंग सेम थी, प्रोडक्ट भी लगभग सेम थे, लेकिन जीता कौन सा प्रोडक्ट, विन कौन सा प्रोडक्ट हुआ, जो प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग थी वो बहुत अच्छी थी। तो पुअर पैकेजिंग जो है वो हमेशा कस्टमर को एक डिसाइड करने में वो जो है आपकी सेकेंडरी में आप आ जाते हो, आपका जो है वो सोचता है कि नहीं यार मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी तो पैकेजिंग भी अच्छी नहीं, वो रिटर्न कर देते हैं और रिव्यू और गलत सा डाल देते हैं, पुअर पैकेजिंग, तो इससे भी हमें नुकसान हो जाता है। तो ये जो सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो आपको मैंने बताया वो था आपका जो है प्रोडक्ट की इमेज, और सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताई वो पैकेजिंग। सो जो है आपको पैकेजिंग का बहुत ध्यान रखना है और आप ध्यान रखिएगा कि आप जब भी प्रोडक्ट शिप करें तो उसे अच्छे से पैक करके भेजें, राइट। थर्ड पॉइंट जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। यस, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उनको आप बुलेट पॉइंट्स में और डिस्क्रिप्शन में एक एक पॉइंट लिखिए। आप जितना ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप अपने प्रोडक्ट की देंगे उतना ज्यादा अमेजोन आपके प्रोडक्ट को पुश करेगा, फ्लिपकार्ट आपके प्रोडक्ट को पुश करेगा, जो भी मार्केट प्लेसेस है उसमें थोड़े आप कीवर्ड्स भी डालिए और आपके प्रोडक्ट्स की जो विजिबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। डिस्क्रिप्शन में जितने ज्यादा आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बुलेट पॉइंट में आप सारे कीवर्ड्स डाल रहे हैं, बुलेट पॉइंट में कीवर्ड्स मत डालिए,
डिस्क्रिप्शन में आप कीवर्ड्स डालिए, उसमें आपको डालने से क्या फायदा होगा कि जो एल्गोरिदम है ना मार्केट प्लेसेस की, वो आपके प्रोडक्ट को पुश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचाने की कोशिश करेगा, इम्प्रेशंस जो है वो आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा देगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। फोर्थ पॉइंट जो है, कीवर्ड्स जो होते हैं, डिस्क्रिप्शन वाले नहीं, जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बना रखा है, आप आई बटन पे देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक भी दे दिया है कि कीवर्ड्स कैसे ऐड किए जाते हैं। कीवर्ड्स आप ज़रूर ऐड कीजिए। कई बार नए सेलर गलती करते हैं कि वो कीवर्ड्स ऐड नहीं करते हैं। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर्च करने में प्रोडक्ट को। कस्टमर जो है जब उस प्रोडक्ट को सर्च करता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो कीवर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिक्स्थ पॉइंट आता है गाइस, प्रमोशंस। अपने प्रोडक्ट को फ्री प्रमोट कीजिए। अब फ्री प्रमोट से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आई बटन पे आप देख सकते हैं। आपको बिना पैसा खर्च किए अपने प्रोडक्ट पे प्रमोशन रन करने हैं, वो कैसे करते हैं आप प्लीज इस वीडियो में देख लीजिएगा जो मैंने आई बटन पे दे रखा है, क्योंकि प्रमोशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रमोशंस जो है आपके स्पेशली अमेजोन के ऊपर, अच्छा फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आप काफी सारे प्रमोशन को ऑप्ट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा प्रमोशंस आपके प्रोडक्ट पे चलेंगे, आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग के चांसेस जो हैं, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो प्रमोशंस भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने प्रोडक्ट्स पे प्रमोशन जरूर रन करें। ऑलराइट, मैंने एक गलती और की थी गाइस, वो गलती ये थी कि मैंने FBA नहीं किया था इनिशियल स्टेज पे। देखिए FBA करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब हम एज अ न्यू सेलर लिस्ट करते हैं ना प्रोडक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, Amazon हो, मैं Amazon की बात करता हूँ कि Amazon के ऊपर आप अगर FBA नहीं करते हैं तो उससे नुकसान क्या है और फायदा क्या है। देखिए नुकसान तो ये है गाइस कि आपने सपोज करिए थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री आपने अपने वेयरहाउस पर रखी हुई है, अब आप नए सेलर हैं तो उसको बहुत टाइम लग जाता है उसकी विजिबिलिटी आने में, राइट, और उसको ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट मतलब कोई भी अगर सर्च करता है तो उसको। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट FBA में है तो FBA क्या है, आपका Amazon जो है आपके प्रोडक्ट को प्रायोरिटी पे रखेगा, ऑलराइट, उसकी विजिबिलिटी ऑल ओवर इंडिया जो है बहुत अच्छी रहेगी। प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो रिव्यूज आएंगे, अच्छे रिव्यूज आएंगे तभी तो बायर उसे परचेस करेंगे। तो FBA एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं ये नहीं कहता हूँ आप बिगनिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आप FBA में भेज दीजिए, लेकिन आप FBA ज़रूर कीजिए इनिशियल स्टेज पे। आप अगर नए सेलर हैं थोड़ा सा देखिए और अपने कुछ अच्छे प्रोडक्ट जिसमें आपको लगता है कि उस पर अच्छी रिव्यूज़ हैं या फिर वो अच्छा काम कर सकता है, फ्यूचर में अच्छे ऑर्डर्स ला सकता है, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो उसे FBA ज़रूर कीजिएगा, FBA में ज़रूर भेजिएगा। ऑलराइट, एट पॉइंट गाइज जो है वो एक थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है इनिशियल स्टेज पे, लेकिन स्पॉन्सर्ड एड्स जो होते हैं ना, एड्स रन करने बहुत ज़रूरी होते हैं, राइट। एड्स जो है आपको कहीं ना कहीं आपको अपने बिजनेस में जो है आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बनाए रखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचने के लिए, उस पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट करने के लिए आपको एड्स रन करने पड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि आपको दो टाइप के एड चलाने चाहिए, एक उन प्रोडक्ट्स पे जो आपने अभी अभी लिस्ट किए हैं और एक उन प्रोडक्ट पे जिन पे काफ़ी सारे रिव्यूज़ हैं, ठीक है। तो इन दोनों प्रोडक्ट से फ़ायदा क्या होता है कि इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिन पे रिव्यू नहीं है उसका हमारा ये टारगेट रहेगा एड्स पे कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ लाने की कोशिश करें, और जो रिव्यूड प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को दिखाएं क्योंकि उस पर अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो रिव्यूज़ होने की वजह से कस्टमर का जो माइंडसेट होगा कि चलो यार इस प्रोडक्ट को मंगाते हैं। तो ये दोनों जो है एक तरीके का एड सेट जो है आपके मतलब आपको हेल्प करेंगे सेल्स जनरेट करने के लिए। ये शुरू शुरू में गलतियां मैंने बहुत की थी, मैं कुछ नहीं करता था, मैं बैठा रहता था और मैं वेट करता था कि यार ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर आते नहीं थे। फिर जैसे जैसे मैंने इन चीज़ों को सीखा तो मुझे रियलाइज़ होने लगा कि यार मैं ये गलतियां कर रहा हूं। अब इन सारी गलतियों को ओवरकम करके मैं एक साथ जो है अपने प्रोडक्ट की सेल कर रहा हूं और काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो एड से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिए, ऊपर आई बटन पर दे रखा है। सो नाइन्थ पॉइंट जो आता है गाइज वो आता है, मैंने सेलर फुलफिल प्राइम जो है वो एनेबल नहीं किया। अब सेलर फुलफिल प्राइम क्या होता है? सेलर फुलफिल प्राइम एक तरीके का गारंटेड डिलीवरी प्रोग्राम है अमेजोन की तरफ से, राइट। फ्लिपकार्ट पे भी एक प्रोग्राम चलता है, उसमें भी वो एफ अश्योर्ड बैच देते हैं, लेकिन अमेजोन के ऊपर आपको सेलर फुलफिल प्राइम का बैच जब मिलता है तो आपके सारे के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइम बैच लग जाता है और प्राइम कस्टमर जो है उनको खरीदते हैं, उन पे उनको फ्री डिलीवरी मिलती है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि अमेजोन किसको प्रायोरिटी देता है
कि उनके प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जो है वो बिकते हैं और सबसे ज्यादा दिखते हैं। इसको आप बिल्कुल एक पेपर और पेन पे लिख लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आइडिया रहेगा कि अमेजोन इन प्रोडक्ट्स को ही सबसे ज्यादा विजिबिलिटी देता है। सबसे पहली जो विजिबिलिटी देता है वो देता है मल्टी फुलफिलमेंट सेंटर पे जिसके प्रोडक्ट पड़े हैं, अलग अलग स्टेट में जिसके प्रोडक्ट्स पड़े हैं उनको सबसे ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है। दूसरी विजिबिलिटी मिलती है किसी पर्टिकुलर स्टेट के FBA में पड़ा है आपका प्रोडक्ट, उसको दूसरी विजिबिलिटी मिलती है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा प्रोडक्ट मेरे स्टेट में है तो मैं उनसे कॉम्पीट कर लूंगा जिनके हर स्टेट में है, तो आप सेकेंड पे रहेंगे। ओके, थर्ड जो आता है वो आता है सेलर फ्लैक्स। सेलर फ्लैक्स यानी कि आपके वेयर हाउस को वो FBA की साइट में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, थर्ड होता है सेलर फ्लैक्स। फोर्थ जो आता है वो आता है सेलर फुलफिल प्राइम, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। सेलर फुलफिल प्राइम जो है आपके प्रोडक्ट के ऊपर प्राइम बैच लगा देगा, पूरा का पूरा कैटलॉग आपका प्राइम बैच का होगा, उसकी विजिबिलिटी जो है किससे ऊपर रहेगी वो मैं आपको बताता हूं। सेलर फुलफिल प्राइम के नीचे आता है इजी शिप प्लस सेल्फ शिप। ओके, इजी शिप प्लस सेल्फ शिप दोनों जिनके एनेबल है उन प्रोडक्ट्स की जो विजिबिलिटी है सेलर फुलफिल प्राइम से नीचे रहती है, क्योंकि इजी शिप और सेल्फ शिप के अंदर आपके प्रोडक्ट पर प्राइम बैच नहीं है, आप लगवा देते हैं तो वो आपकी विजिबिलिटी बढ़ा देते हैं। ओके, उसके बाद इजी शिप एंड सेल्फ शिप के बाद आता है सिर्फ इजी शिप, ओनली इजी शिप, और ओनली इजी शिप के बाद आता है लास्ट में सेल्फ शिप। तो जो सेलर सिर्फ सेल्फ शिप कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट पे कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स नहीं आएंगे, उनके प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स आएंगे, राइट। सेल्फ शिप इजी शिप से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका बटन उसका जो सेल्फ शिप और इजी शिप से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है, और उसके मैं और गाइज मैं ये सारे लिंक्स जो है ना मैं नीचे भी आपको दे दूंगा, आप इनको वन बाय वन देख सकते हैं, आप आराम से टाइम लीजिएगा और वीडियोस को देखिएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, आपको सेलर फुलफिल प्राइम जरूर एनेबल करना है, उससे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ती है। जो सबसे लास्ट पॉइंट आता है गाइस, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरी ऑनलाइन सेलिंग में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पेमेंट रिकॉन्सिलिएशन। आपको पता ही नहीं है कि आप जो सेल कर रहे हैं उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। मेरे को नहीं पता होता था शुरू शुरू में, फिर धीरे 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 मैंने इस चीज को सीखना चालू किया। कोई भी चीज़ होती है ना गाइस, आप जब उसको आप अंदर घुसते हैं तब आपको आइडिया होने लगता है कि आप क्या गलती कर रहे हैं और आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। तो पेमेंट रिकंसिलेशन जो है यानी कि आपको कितना पैसा मिल रहा है, कितनी सेल हो रही है, कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, रिटर्न्स पे कितना नुकसान हो रहा है, उससे रिलेटेड चीज़ें जो है आपको पूरा का पूरा उसका डेटा जो है आपको ध्यान में रखना है, और आप जो है उसको मेंटेन करें एक एक्सेल शीट के अंदर। कैसे करना है, क्या करना है, आई बटन पे लिंक दे दिया, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इन सारे टॉपिक्स के लिंक देने वाला हूं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, गलती मत कीजिएगा वो गलती जो मैंने की है। आशा करता हूं ये जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आज ही इन चीजों को अपना लीजिए, इन पे वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, आपका पैसा है, आपके प्रोडक्ट है, आपका बिजनेस है, किसी दूसरे का नहीं है, तो आप ही को ये सब मेहनत करनी पड़ेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, अभी का अभी तुरंत लाइक बटन दबाइए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ज़रूरी होते हैं सब्सक्राइबर्स होना चैनल के ऊपर, उसको ग्रोथ मिलती है और YouTube उसे उस चैनल को थोड़ा और पुश करता है, तो और मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का मन करता है। उसके साथ साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। देखिए कमेंट बॉक्स में मैं आपसे एक चीज शेयर करता हूँ, आप लोग मुझसे है ना कहते हैं कि सर आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए, सर आपका मोबाइल नंबर दीजिए, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, व्हाट इज योर पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स। देखिए मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं कर सकता। इंस्टाग्राम पे भी मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्या होता है कि मैं ना इंस्टाग्राम पे अभी इतना एक्टिव नहीं हूँ। ऑलराइट, मैं एज ऑफ नाउ जो हूँ मैं अभी यूट्यूब पे ही आपके जो कमेंट्स होते हैं उन्हीं को मैं पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनको मैं जवाब दे सकूँ। बहुत सारे भर भर के मुझे मेल्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ना एक लाइव सेशन करता हूँ या फिर मैं एक अलग से क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर देता हूँ, तो उन पर मैं आपको क्वेश्चन के जवाब दे दूंगा। ओके, तो इन 10 पॉइंट को आप याद कर लीजिए, इनको समझ लीजिए और अपने जो है बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए और देखिए फिर क्या रिजल्ट आते हैं। और अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि सर आपने जो टिप्स हमें दी थी उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।